छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने नतीजे जारी किए। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से बातचीत की है हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे ने, देखते हैं। 12वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं, हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, इस बार नतीजे घोषित हो चुके हैं, किस तरीके से परिणाम को आप देखते हैं? परीक्षाएं जो आज जो घोषित हुए हैं, परीक्षा परिणाम जो घोषित हुए हैं, उसके तो अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साहजनक देखने को मिलेगा इस उसमें, क्योंकि 97% विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं। सर, काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो फेल भी हुए हैं, क्या लगता है आपको फेल क्यों हुए होंगे? अब देखिए, परीक्षाएं जब होती हैं तो कुछ लोग पास भी होते हैं, कुछ लोग फेल भी होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्री भी आता है। ये तो आज कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी इसका की व्यवस्था। लेकिन छात्र घर बैठे परीक्षाएं दे रहे थे, उत्तर पुस्तिकाओं को वो घर लेकर गए थे, उसके बाद भी वो फेल हो गए, तो यही तो सोचने वाली बात है ना। ये जब परीक्षाएं जब होती हैं, पहले भी हुए परीक्षा हुए, तो कोई कहीं पास होते हैं, कहीं फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, कोई सेकेंड डिवीजन से पास होते हैं, कुछ जो सप्लीमेंट्री आते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। सर, सप्लीमेंट्री और फेल होने वाले छात्रों को कुछ मौका मिलेगा क्या, पुनर्गणना या फिर पुनर्मूल्यांकन? नहीं, इसमें देखिए, इसमें कोई न पुनर्गणना होगा, न पुनर्मूल्यांकन होगा, न कोई मेरिट लिस्ट बनेगी। जो छात्र सप्लीमेंट्री आए हैं, जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए हम विचार करेंगे क्या हो सकता है आगे। सर, कैसे देख रहे हैं इस बार का परिणाम? नहीं, हम तो अच्छे देख रहे हैं, और मैं खासे सभी लोग अच्छे देख रहे हैं परिणाम इसके। जैसा कि आपने सुना कि 12वीं जो बोर्ड है उसके नतीजे घोषित हो चुके हैं, काफ़ी ऐसे छात्र थे जो घर बैठे उत्तर पुस्तिका लिखने के बाद भी फेल हो गए हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि उन छात्रों को मौका इस बार मिलता है या नहीं मिलता है। हालांकि मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि उनको लेकर के विचार किया जाएगा, लेकिन इस बार पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन छात्रों का नहीं होगा। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।